इतना काफी है। हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह के बरंडा में फंसी फोकलैंड मशीन को निकाला गया बाहर, प्रशासन की कार्रवाई। दमोह नगर पालिका में हुए फर्जीवाड़े मामले में अब तक नहीं हुई जांच, पूर्ण न ही हुई कोई कार्रवाई, शिकायतकर्ता ने कार्रवाई की रखी मांग। पानी की टंकी में डूबने से मासूम की मौत। दमोह शहर में अनेक स्थानों पर लगे कचड़े के ढेर। ये थे दिनभर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से खबरों में सबसे पहले बात करेंगे परसोरिया गांव की, जहां पर एक मासूम बेटी पानी की टंकी में गिर गई, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है कि परिजन घर पर काम कर रहे थे, इसी बीच अचानक से मासूम बेटी गायब हो गई। जब देखा तो पता चला कि मासूम बेटी पानी की टंकी में पड़ी हुई है, जिसे बाहर निकाला गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजन तत्काल ही जिला अस्पताल लेकर आए, डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। परिवार के लोगों के द्वारा घटना के संबंध में क्या हो गया बच्चे को रीति कही। तो क्या हो गया बच्ची को? बच्ची को कहा से पानी का डिब्बा रखा था, पानी के डिब्बे में कहा उठे पानी के टंकी रखी थी, पानी पीना टंकी में गिर गई। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम कहाँ की रहने वाली है? परसोरिया। आप कौन है उसके? पुलिस के द्वारा मार कायम कर सबका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। संजय सरवरिया, लकड़ीसी न्यूज, दबाव। दमोह शहर में साजिश के तहत दमोह के बरंडा को गिरा दिया गया था। ऐतिहासिक बरंडा था, काफी प्राचीन था। लोगों के मन में काफी आक्रोश था कि प्रशासन किस तरह से आंख मूंदे यहां पर परमिशन दे देता है, जिसके चलते ऐतिहासिक बरंडा भी गिर गया। बाद में प्रशासन के द्वारा आनन फानन में कई तरह की कार्रवाई की गई। वहीं इस मामले को लेकर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, जिसके द्वारा 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मामले दर्ज हुए, लगातार कार्रवाई जारी है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि बरंडा को दोबारा बनाया जाएगा, जिसकी कवायद प्रारंभ हो गई है। पहले यहां पर एक दीवार बनाई गई ताकि मकानों को सुरक्षित किया जा सके। अब यहां जो फोकलैंड मशीन, जिसके द्वारा इस बरंडे को गिराया गया, मशीन मलबे में दबी हुई थी। इस मशीन को निकालने के लिए काफी मशीनों का उपयोग किया गया। बताया जाता है पहले फोकलैंड से जगह बनाई गई, उसके बाद चौहान क्रेन सर्विस की बड़ी बड़ी क्रेनें यहां पर पहुंची, जिनकी मदद से फोकलैंड मशीन को निकाला गया। प्रशासन के द्वारा आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की गई। अब पुरातत्व विभाग की टीम यहां पर पहुंचेगी, जो यहां पर निर्माण कार्य के संबंध में पहले नापतोल करेगी और उसके बाद यहां पर निर्माण भी प्रारंभ हो सकता है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का कहना है ये काफी बड़ी घटना थी। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहां पर बीती रात मशीनों को बुलाया गया और फोकलैंड मशीन को यहां से निकाला गया।
इस संबंध में हमने दमोह SDM राजललन बागरी से चर्चा की, तो उनके द्वारा इस मामले में विस्तार से जानकारी दी। आपने ये सही कहा कि रात में इसलिए आए हैं क्योंकि दिन में यहाँ पे मार्केट रहता है, भीड़ भाड़ एरिया है, क्योंकि वो मशीन हमको निकलवानी थी और चूंकि बरसात भी आ रही है तो आगे भी काम करने हैं, इसलिए हमने अभी रात में मार्केट बंद होने के बाद मशीनें दिलवाई हैं और हमारी वो मशीन सफलतापूर्वक निकल गई है। उस मशीन को नियमानुसार संबंधित स्थान पे भेजा जाएगा। आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे कार्रवाई होगी, पुलिस करेगी और जो भी लीगल पॉइंट्स होंगे उस आधार पर कार्रवाई। फिर इसको बंद कर दिया जाएगा या खुला रहेगा? अब चल रही है चर्चा, देखते हैं उसको। बिल्कुल अभी हम तो बैरिकेड लगाएंगे, अभी रात में ही बैरिकेड लगा देंगे और उसके बाद क्या प्रोसेस होगी आपको बताएंगे। संजय सरवरिया, लखी डीसी। दमोह रेलवे स्टेशन के समीप स्थित डॉक्टर बुधवानी की अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। बताया जाता है कि यहां पर एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर इलाज करा रहा था, उसी को लेकर यह हंगामा हुआ। काफी देर तक जब हंगामा हुआ तो पुलिस भी मौके पर पहुंची, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। युवक के द्वारा कुछ आरोप लगाए गए, हालांकि बाद में मामला शांत हो गया और बच्चे का इलाज भी प्रारंभ हो गया। किस तरह से पूरा विवाद हुआ, किस तरह से पूरा हंगामा हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं। हम गरीब आदमी, ठीक है, हम तो बड़े आदमी हैं, उठा उठा के अब हमारी क्षमता है, यहाँ मिल रहे हैं 15,000 जी दे, 10,000 जी दे, ठीक है, हम आपको हम चल रहे, लेकिन गरीब आदमी पैसा कहाँ से ले आज मजदूरी कर रहा हो, वो कहाँ से पैसा ला रहा बताओ, ले आओ तुम कहाँ से आ रहे, हम तो चलो उठा उठा के ले आ रहे, सो कर रहे काम, गरीब आदमी है, वो बिना कहाँ से पैसा आए, तुमने करे आओ बच्चा मर जाए हमारा, तो इसी जिम्मेदार है, इनने हमें लूटो है बस। कितने ले ला पैसा? 1500 रुपया दिन सोने का चार्ज, 24 घंटे का, हम यहाँ से छोड़ के होटल में गए कैमरे चेक करवा लूं कि भैया यहाँ 500 लगता है लेकिन सुख में सोएंगे, तो मैडम से बोला कि सुबह शाम के आप बच्चा हो तो भाई बीच में करते ही नहीं है एक रुपया की, एक सुबह एक शाम भर्ती कहाँ पर है, फिर हम आज सुबह शाम 1500 तो बचे हमारे, 1500 रुपये तो बचेंगे भाई, तो भी उसमें से चलो भैया हमने सोचा है 2 दिन की छुट्टी ले लें, 1500 में बच्चा आएंगे, तो फिर बच्चा गड़बड़ क्यों हुआ, हमारा छुट्टी ली तो बच्चा जब ठीक था, 2 दिन में बच्चे को क्या हो गया ऐसा, तो हमें न्याय चाहिए और बच्चा ठीक चाहिए, नहीं होगा ना तो बहुत कुछ हो जाए। क्या नाम है आपको? नाम क्या है? कुछ नहीं, जो नहीं वो हमारा कुछ नहीं हुई है बड़े भाई, हमें न्याय चाहिए बस। तो ठीक करो बच्चा, कितने दिन होगा भैया? बच्चा ठीक करो, 15-20 दिन होगा ऐसे, तो हमारा फाइल ही खाली, वो जिस जो दवा की जो दो कागज पकड़ा दिए 5,000 रुपए बिलवा लिया, क्या दो क्या बीमार, जो मोटा खर्चे हुआ है दवा जी वो कहाँ गया, बीमार क्या है, बीमारी क्या, दो कागज पकड़ा दिए हमारे बच्चे, और इतनी फाइल बनी थी दवाओं की, पैसे दिए मैंने दो कागज इसमें फंसा दिए, चली गया है, आप और महाजन बन रहे, आप उनके कर्मचारी हो ना, कर्मचारी बजाओ उनकी आप। मामला यहां पर शांत करा दिया गया और मरीज के परिजन भी वापस अस्पताल जा पहुंचे, उनके बच्चे का यहां पर इलाज शुरू किया गया।
संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। दमोह शहर में ट्रैफिक व्यवस्था का हाल क्या है इस तस्वीर से देख लीजिए, जहां पर एक मालवाहक में भी शहर से इस तरह से सवारियों को ढोया जा रहा है। मालवाहक कहीं और से नहीं बल्कि अम्बेडकर चौक से गुजरा और वह भी कॉपरेटिव बैंक की तरफ जा पहुंचा। इसमें काफ़ी सवारियां थीं लेकिन इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। आप देख लीजिए तस्वीरों में, हम एक बार पुनः आपको दिखा देते हैं किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था संभाली जा रही है। जहाँ घंटा घर पर कोई यातायात कर्मी नज़र नहीं आता, तो वहीं बीच शहर में भी इसी तरह से मालवाहक में सवारियाँ ढोई जाती हैं। घटना के बाद प्रशासन नींद से जागता है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज़। दमोह नगर पालिका में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। जगह जगह कचड़े के ढेर लगे हुए हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि फाइल बनाने में ध्यान दिया जाता है। सफाई विभाग वैसे भी मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है, काफ़ी गोलमाल हुआ है। सफाई के नाम पर एक गोलमाल हुआ है, कहीं मजदूर दिखाए गए फर्जी तरीके से तो कहीं सफाई के नाम पर अन्य चीज़ें क्रय करना दिखा दिया गया। फर्जी पाड़े काफ़ी अधिक हैं, अभी भी लगातार ये फर्जी पाड़े ऐसा लगता है जैसे सुचारू रूप से चल रहे हों, तभी तो शहर की सफाई व्यवस्था पर किसी का ध्यान नहीं है। दमोह शहर का बड़ा पुल हो, पठानी मोहल्ले के समीप का स्थान हो या फिर अनेक शहर के स्थान जहां पर इसी तरह से ये कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। गड़ी मोहल्ले में भी ये ढेर लगा हुआ है, ज्वालामाई चौराहे के समीप भी कचरे के ढेर लगे हुए हैं। देखने लायक होगा खबर दिखाए जाने के बाद कब तक यहाँ पर सफाई व्यवस्था होती है और कब तक शहर के नागरिकों को गंदगी से मुक्ति मिलती है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज़। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे, देश मेरे, साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।
दमोह नगर पालिका में भ्रष्टाचार होना कोई नई बात नहीं है, बरसों से यही होता आया है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि तो बदलते हैं लेकिन भ्रष्टाचार की कहानी कभी नहीं बदलती है। सोशल मीडिया पर लगातार कई सूचियां जो वायरल हो रही हैं, मामले को लेकर लगातार मीडिया की सुर्खियों में ये पूरा मामला चल रहा है कि दमोह नगर पालिका में काफी बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। करोड़ों रुपए के बिलों का भुगतान हो गया, जो काम जमीन पर नहीं है उनके भी भुगतान कर दिए गए। कहीं मेंटेनेंस के काम हो गए तो कहीं मरम्मत के कार हो गए तो कभी खरीदी के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। ये भ्रष्टाचार इतना बड़ा है कि इसकी जांच नहीं हो पा रही है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, जो कि एक लगातार ईमानदारी छवि के लिए जाने जाते हैं, उनके द्वारा 15 दिवस में इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया था। 15 दिन बीते लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। लगातार बताया जा रहा है कि इस मामले में जो छानबीन चल रही है, तथ्यों को छाना जा रहा है, फाइलों को खंगाला जा रहा है, इसमें कुछ और वक्त लग सकता है। लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है, लगातार तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हो रही हैं। वहीं इस मामले में जो फर्मे हैं, उनके फर्मों के जो मुख्य कर्ता धरता हैं, वे अधिकारियों के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। अधिकारियों के साथ उनके फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं, यहाँ तक कि जाँच अधिकारी के इर्द गिर्द भी वही लोग नजर आ रहे हैं जिनके जांच चल रही है, जिसके चलते और भी अधिक सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो। दमोह नगर पालिका CMO सुषमा धाकड़ से जब हमने इस संबंध में चर्चा की तो उनका कहना है कि मामले में जांच चल रही है, ऐसे में वह कुछ भी जानकारी नहीं दे सकती। आइए सुनाते हैं उनके द्वारा क्या कहा। उसमें डायरेक्शन किया है सर ने, कलेक्टर महोदय द्वारा एक डायरेक्शन किया है, उसको उसका जो अभी कुछ काम नहीं कर सकता, जिसमें कमेटी जांच कर रही है और जिसको स्पष्ट पहुंच होगी उसके बाद कुछ कहा जाए। इस मामले के मुख्य शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पंडित आशीष शर्मा के द्वारा काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि दमोह नगर पालिका की जो जांच चल रही है उस जांच पर अब उन्हें भरोसा नहीं है। 15 दिनों में जांच होनी थी लेकिन लगातार जांच की प्रक्रिया लंबी होती चली जा रही है। वहीं आरोपियों को कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जा रहा है। मतलब ये है कि जब हमने शिकायत की थी तो एक उम्मीद की किरण हमारे लिए हमारे माननीय ईमानदार कलेक्टर जी को देखकर जागी थी कि जनता के बीच में उनकी जो छवि है और जो उनका तरीका है उससे हमें भी न्याय मिलेगा। मगर विगत दिनों से मैं लगातार इंतजार कर रहा हूँ, लगातार सोशल मीडिया पर प्रयास कर रहा हूँ कि इसके बारे में जानकारी मिले, इस जांच में क्या हो रहा है, कौन अधिकारी इसमें नियुक्त है, कौन अधिकारी इसकी जांच कर रहा है, इसकी कोई भी भूमिका हमारे लिए समझ में नहीं आ रही। उसके विपरीत लगातार माहौल ये बना हुआ है कि जो इसमें भ्रष्टाचारी है वो खुलेआम घूम रहे हैं, खुले चाक चौराहों पर बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, ना यहां से कुछ होने वाला है, ना शासन के लेवल से कुछ होने वाला है। तो इसमें हमारा मॉरल थोड़ा सा डाउन हुआ, इसलिए कि इस जांच की जो भी जांच चल रही है उसको जनता के सामने प्रस्तुत क्यों नहीं किया जा रहा। खुली किताब है कि करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, खुली किताब है कि भ्रष्टाचार दिख रहा है, भ्रष्टाचारी दिख रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। उनके मंसूबे जो है वो बड़े हुए हैं, ये मंसूबे बड़े होना एक खेद का विषय है, एक डर का विषय है कि कुछ भी हो सकता है जांच को दबाने के लिए। तो हम सब यही चाहते हैं कि इस जांच को जनता के बीच में रखा जाए। जनता को माननीय ईमानदार कलेक्टर जी से पूरी उम्मीद है कि आप न्याय करोगे। आपसे न्याय क्यों नहीं मिल रहा? अगर जनता को आपसे न्याय नहीं मिलेगा तो हम अपनी तरफ से यह आज आपसे बताना चाहते हैं कि जनता से को प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा तो हम जनता के बीच में जाकर इस भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, क्योंकि इस भ्रष्टाचार की तफ्तीश हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। हमें दिख रहा है कि ये खुला भ्रष्टाचार है, इसमें जो फर्मे हैं उनका कोई ऐसा पता है नहीं, कहां है, कैसी है, कहीं मिल नहीं रही, उनके GST नंबर का किसी का पता नहीं कि कहां है, उनके ओनर जिनके नाम आ रहे हैं वो किस स्थिति में है पता नहीं। जब एक छोटे व्यक्ति को दिख सकता है तो इतने वरिष्ठ अधिकारी जो इसकी जांच कर रहे हैं उनको इतना समय क्यों नहीं लग रहा, क्यों लग रहा है, यह एक गड़बड़ झाले की ओर उजागर करता है। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि माननीय ईमानदार कलेक्टर साहब जल्द से जल्द
जनता की दुविधा को आप दूर करें। आप पर बहुत भरोसा है, आप पर बहुत उम्मीदें हैं कि आप इस जांच को जिस लेवल पे है या जितने समय में होने वाली है आप एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करें, जनता के बीच में इसकी स्पष्टता को रखें जिसमें जनता से भ्रम की स्थिति खत्म हो और उनको न्याय मिल सके। दमोह नगर पालिका में सफाई के नाम पर काफी बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी भुगतान दिखाए गए हैं जिसमें मजदूरों से काम होना दिखाया गया है जबकि मजदूर वार्डों तक नहीं पहुंचे। डस्टबिन के नाम पर काफी बड़ा खेल हुआ है, तो वहीं जो कचरा वाहन होते हैं उनके नाम पर भी बड़ा खेल हुआ है। कचरा वाहन सुधरे ही नहीं, कई वाहनों में दोबारा दीवारा तक बैटरी डलवा दी गई तो कई में सुधार कार्य लगातार होता रहा। भले ही ये कबाड़ हो चुके हों लेकिन सुधार कार्य फाइलों में जारी रहा। ऐसा नहीं कि इसमें एक आध कर्मचारी शामिल हो बल्कि एक पूरा गिरोह था जिसमें अधिकारी, ठेकेदार और जनप्रतिनिधि शामिल थे। सभी ने जमकर पैसों की बंदरबांट की। लगातार ये भी देखने में आ रहा है कि लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा जो लोग टैक्स के रूप में नगर पालिका को देते हैं उसमें बड़ी बंदरबांट हुई है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष पद के दावेदार रहे विक्रांत गुप्ता से चर्चा की तो उनका कहना है कि संपूर्ण मामले को लेकर वह मुख्यमंत्री से शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। इसको मैं यही कहूंगा, जब से कांग्रेस की नगर पालिका बनी है तब से काम तो हो ही नहीं रहे हैं, केवल भ्रष्टाचार हो रहे हैं। कागजों पे काम की खानापूर्ति कर ली जाती है, चाहे प्रकाश व्यवस्था हो, चाहे सफाई व्यवस्था हो या किसी भी प्रकार की सामग्री वितरण व्यवस्था हो, ये केवल भ्रष्टाचार के लिए खाना पूर्ति कर लेते हैं। सामग्री उतनी क्वांटिटी में आती नहीं है, क्वांटिटी 8 से 10 गुना अधिक दर्शा देते हैं। दिल्ली में अगर विद्युत सामग्री लगाई जाती है उसमें भी अगर कहीं 50 बल्ब बदले जाते हैं, 50 लाइट बदली जाती है, बिल 500 के होते हैं और 70 रुपए की चीज केवल 700 रुपए के होते हैं। ट्रॉली की कीमत लगभग 1,15,000-20,000 होगी, उसको रिपेयर करके आप 93,000, 96,000, 92,000, 90,000 इस प्रकार चार बार बिल इनके द्वारा करा लिए जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि दमोह नगर पालिका के इतिहास की अभी तक सबसे भ्रष्टतम नगर पालिका चल रही है और इस मामले को लेकर कुछ हम लोग पार्षद माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने वाले हैं, इसकी लिखित शिकायत अन्वेषण ब्यूरो को भी करने वाले हैं और प्रशासन से आपके माध्यम से मैं यही अपील करना चाहता हूं माननीय जिलाधीश महोदय से, इस भ्रष्टाचार के मामले में सूक्ष्मतम तरीके से जांच की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन लोगों के मन में जो लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता के प्रति किसी प्रकार की संवेदनाएं नहीं है, नगर में इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, ना ही किसी प्रकार के काम करने की या नगर को व्यवस्थित या सुंदर बनाने की इस प्रकार की इनके पास कोई नीति नहीं है, कुल मिला के भावना भी नहीं है, केवल और केवल भ्रष्टाचार करने की नीयत से इन लोगों ने इस क्षेत्र में कदम रखा है। भ्रष्टाचार के समुद्र में दमोह नगर पालिका डूबी हुई है जिसमें लगातार भ्रष्टाचारी गोता लगा रहे हैं। करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है लेकिन कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें ये भ्रष्टाचार नजर नहीं आया, जो भ्रष्टाचार में शिष्टाचार ढूंढते रहे, जमकर बंदरबांट हुई, करोड़ों रुपए का खेल हो गया और अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही। कहीं ना कहीं इस मामले में शिकायतकर्ता जो हैं वे चाहते हैं कि दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर इस मामले में जल्द से जल्द जांच पूर्ण करके खुलासा करें और भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाएं। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज।
दमोह नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के निवास पर संगीत में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए भक्तों की उपस्थिति यहां पर देखी जा रही है। कथा श्रवण करके भक्त अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही सुना बड़े प्रसन्न हो गए, आनंद में आ गए। क्यों? क्योंकि गर्गाचार्य जी तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे इस दिन की कि कब ये दिन आएगा जब मुझे प्रभु का दर्शन प्राप्त होगा। तब वो दिन आएगा जब मैं प्रथम बार अपने ठाकुर जी के दर्शन करूंगा, प्रभु के दर्शन करूंगा। बड़े प्रसन्न हो गए गर्गाचार्य जी। पधारे गोकुल में, नंद बाबा को पता चला कि गर्गाचार्य जी पधारे हैं। नंद बाबा कुछ वालों को साथ में लेकर के गर्गाचार्य जी के स्वागत के लिए गए। स्वागत किया, प्रणाम किया, महाराज किस कारण से आपका आगमन हुआ है? गर्गाचार्य जी ने कहा, बाबा हमारा तो काम ही है कहीं किसी यजमान के यहाँ ग्रह शांति करवाना, ग्रह प्रवेश करवाना, किसी के यहाँ सत्यनारायण की कथा करवाना, किसी के यहाँ विवाह करवाना, किसी के यहाँ बालकों का नामकरण संस्कार करना, ये तो हमारा काम ही है। जैसे ही नंद बाबा ने सुना नामकरण, नंद बाबा ने कहा, फिर तो महाराज खूब भले पधारे आप, बड़ी कृपा आपने की। क्यों? हमारे यहाँ भी दो दो लाला हैं, पर अभी तक किसी का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, किसी का भी नाम नहीं रखा गया। क्यों ना आप पधारे हैं तो आपके ही श्री मुख से मेरे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हो। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने सुना, नंद बाबा से कहा, कर तो मैं दूं पर एक चिंता है। क्या? बोले, आप कोई भी उत्सव मनाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो बड़ा उत्सव मनाते हैं, सबको बुलाते हैं, बड़े धूमधाम से करते हैं। जन्मोत्सव भी आपने धूमधाम से मनाया। बोले, हाँ महाराज, उत्सव तो धूमधाम से ही होगा। बोले, अब नामकरण उत्सव भी आप बड़े धूमधाम से मनाएंगे? बिल्कुल मनाएंगे महाराज। गर्गाचार्य जी ने कहा, बाबा एक बात कहें, जब से आपके लाला का जन्म हुआ है कुछ ना कुछ संकट उस पर आ रहे हैं। आपने जन्मोत्सव मनाया, पूतना आ गई, सत्तासुर आ गया, प्रणावत आ गया। अब आप कहीं अगर नामकरण उत्सव मनाए और उसमें भी अगर कोई राक्षस आ जाए फिर? नंद बाबा ने कहा, ऐसी बात है महाराज, तो कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, आप बताइए क्या करना है। बोले, कल प्रातः काल दोनों माताओं को बालकों के साथ गौशाला में ले आइएगा। गौशाला में प्रातः काल कल दोनों का नामकरण संस्कार होगा। देखिए महाराज, जब आपके यहाँ संतान का जन्म हो, इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखी डीसी न्यूज, दबाव। दबाव के हृदयपुर में डॉक्टर मनीष पटेल के निवास पर संगीत में श्रीमद भागवत कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। किशोरी वैष्णवी गर्ग के मुखारविंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। चाहे जो भी हो, भगवान को जो भी जल्दी पुकारता है हमारे भगवान के उसी समय को भगवान जहाँ प्रकट होते, जहाँ पर भक्त पुकार रामचरितमानस में उल्लेख आया है, भगवान कहाँ प्रकट होते, कब प्रकट होते, कहाँ कहाँ भगवान हरि व्यापक स्वरूप समान प्रेम के प्रकट हुए हैं। भगवान हर एक स्थान पर रहते हैं, जहाँ यहाँ जो भगवान जहाँ पर भक्त कह रहे कि भगवान हमारे पर यही पर जाएगा कि हमारे भगवान वहीं पर प्रकट हो जाए। देखो आश्चर्य की बात तो ये है कि वैज्ञानिक जल से बिजली प्रकट कर लेते हैं, परंतु भक्त में इतनी सामर्थ्यता है कि गजराज जैसे भक्त भगवान को जल में से भी प्रकट कर लेते। अभी आगे
तो भगवान को प्राप्त होने के लिए कोई कार्य नहीं बनाई गई। भगवान को जब 30-40 के हो जाओ उसी के बाद भजन करो, 60-70 के हो जाओ उसी के बाद भगवान का नाम ले लो, नहीं तो पहले से रखेंगे तो पाप लगेगा। ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा है? भगवान की तो जब से भक्ति करने लगो, जब से सेवा करने लगो, जब से भगवान में मन लगने लगे तो उसी दिन से अपने जीवन को सफल। नहीं तो ऐसे तो हम अपने जीवन को व्यर्थ करते ही जा रहे हैं। आप मन को मन में विचार करते जब तक बुरे नहीं होंगे जब तक भजन नहीं करेंगे। सत्यता बता रहे हम आप मन में ये सोचते हैं कि जब तक प्रभु नहीं आएंगे तब तक तीर्थ भी नहीं करना। जब तक भैया हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक मुख से हम आप भोजन कर पा रहे हैं, जब तक आप खूब भगवान का भजन करो, जब तक आप खूब भगवान के तीर्थों तीर्थों जा करके संजय सरवरिया लकी डी सी न्यूज दबाओ। दमो के बरंडा में फंसी फोकलैंड मशीन को निकाला गया बाहर, प्रशासन की कार्रवाई। दमो नगर पालिका में हुए फर्जीवाड़े मामले में अब तक नहीं हुई जांच, पूर्ण न ही हुई कोई कार्रवाई, शिकायतकर्ता ने कार्रवाई की रखी मांग। पानी की टंकी में डूबने से मासूम की मौत। दमोह शहर में अनेक स्थानों पर लगे कचड़े के ढेर। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की जमीन, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। साथ चले तुम हम साथ
आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स, इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट, जॉइंट फैमिली वाले लगते हो, परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज, लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो, परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।